चिनूक और रुद्र हेलीकॉप्टर। रूट को ही फिर से मॉडिफाई करके और ज्यादा एडवांस इसमें मिशन सिस्टम्स और वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसका अभी इसको अटैक वर्जन बना दिया गया है और उसका रुद्रा नाम दिया गया है। अल्ट्रालाइट टोड हॉविट्जर और मॉडर्न गन सिस्टम। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70, जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर किया गया है। सर्वेलेंस ड्रोन हेरॉन। भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इसराइल का बना हुआ हेरॉन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की। और 30,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज। भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने का पक्का इंतजाम कर लिया है, फिर चाहे जवाब पहाड़ की चोटियों से देना हो या आसमान की ऊंचाई से। कॉम्बैट या कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम, अरुणाचल से लगी चीन सीमा पर सब पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठा रहा है, खास करके जो थ्रेट परसेप्शन चीन की तरफ से बढ़ा हुआ है। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70, जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया गया है। भारत में ही इसका पूरा अपग्रेडेशन हुआ है और इसकी क्षमता, इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर की है और सारे सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न गैजेट्स वेपनरी इसमें है, जो इसकी क्षमता को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। ये गन हाल ही में डिप्लॉय हुई थी काफी सेक्टर्स में, LAC पर भी और LOC पर भी। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है और ना ही 1962 वाली सेना है। ये आज का भारत है, जो अपनी एक इंच जमीन पर भी दुश्मन की नजर तक नहीं पड़ने देगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने पिछले एक साल से कम 30,000 से ज्यादा सैनिकों को अरुणाचल में तैनात किया है। आज तक की टीम जब अरुणाचल प्रदेश के LAC पर पहुंची तो वहां चीन से जंग की तैयारियों की रियल टाइम रिहर्सल चल रही थी। दुश्मन का हमला इस वक्त हो रहा है इस एक्सरसाइज में, दुश्मन के टैंक्स आगे बढ़ चुके हैं, ये धमाके की आवाज भी आई है और इस वक्त हम इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी के उस हिस्से में हैं जहां पे हमारी आर्टिलरी फायरिंग, भारतीय सेना की आर्टिलरी फायरिंग कंट्रोल की जा रही है। हम यहां समझेंगे कि किस तरह से इस आर्टिलरी फायर को कंट्रोल किया जा रहा है इस अटैक को रिपल्स करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक खास किस्म का कंप्यूटर है जिसे हम एनहांस टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और कम्प्लीटली सिक्योर्ड है। इस कंप्यूटर के ये कंप्यूटर जो है आर्टिलरी के हर डिटैचमेंट में जो है डिप्लॉयड होता है। जैसे यहाँ ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि मैं इस कम्प्लीट लोकेलिटी के साथ डिप्लॉयड हूँ और मैं यहाँ से दुश्मन की एक्टिविटीज को देख सकता हूँ। दुश्मन की एक्टिविटीज यहाँ से क्लियरली नजर आ रही हैं, अगर टैंक्स मूव कर रहे हैं या उनकी अगर उन मेरे पास इनके साथ साथ मेरे पास ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट भी है, जैसे मैं बाइनोक्यूलर्स देख सकता हूँ, मैं और भी जरियों से उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, ये लगातार दूसरी सर्दी होगी जब दोनों देश LAC पर अपने सैनिक तैनात करके रखेंगे। लेकिन तैनाती सिर्फ भारतीय सैनिकों की ही नहीं, आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं, ये रेकोनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। वो आर्मी एविएशन का अकेला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है।
अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की तीसरी आंख भी तैनात हो चुकी है, जिसका नाम है हेरॉन। ये मेड इन इजराइल ड्रोन हर मौसम में, हर मिलिट्री ऑपरेशन में एलएसी पर चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पिछले साल से जब से चीन के साथ तनातनी चल रही है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरॉन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। और जब तक पूरा पैकेज वापस नहीं आ जाता है, चाहे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या किसी भी किस्म के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उसके बाद ही अंत में ये ड्रोन वापस आता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग से बॉर्डर पोस्ट तक सैनिकों और हथियारों की आवाजाही को आसान बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अरुणाचल में सीमा तक तेजी से पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें और सुरंगें बनाई जा रही हैं। करीब 20 बड़े पुल तैयार किए जा रहे हैं जो टैंक जैसे भारी वाहनों के वजन सह सकते हैं। नीचीफू और सेला पास से दो ऐसी सुरंगें बनाई जा रही हैं जिनसे इलाके में पूरे साल आवाजाही आसान होगी। आज तक की टीम ने नेचीफू सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। हम इस वक्त नेचीफू टनल में हैं, जो कि 6 किलोमीटर लंबा है और इस जगह पर 12 महीने कोहरा बहुत होता है, बारिश बहुत होती है, इसके कारण गाड़ियों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। इस सुरंग बनने के बाद ये मूवमेंट काफी आसान हो जाएगा, ना सिर्फ सिविलियंस के लिए बल्कि सेना के लिए भी। एलएसी पर भारतीय सेना की जो तैयारियां आज हैं, वो पहले कभी नहीं थी और ये चीन को चेतावनी भी है और ओपन चैलेंज भी, जिसने अगर एलएसी पर जरा भी कोई छेड़खानी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। चीन की सेना जॉइंट ऑपरेशंस की काफी एक्सरसाइजेस कर रहा है और इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सर्वेलेंस ग्रिड में बढ़ोतरी की है और रात और दिन में हर एक गतिविधि जो चीनी सेना की होती है, वो भारतीय सेना के कैमराज में कैप्चर हो जाती है।